नमस्कार दोस्तों, गुजरात के कच्छ में आपके लिए बेहतरीन भैंसे लेके आऊँ हुआ मैं। अभी आप देख रहे हो ये जंगल है चारों तरफ, यहाँ से रोड जो है रोड 5-6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे जो पशुपालक हैं वो आप मेरे पीछे देख रहे होगे उधर, वो सारी भैंसे देख रही हैं, वो आ रही हैं। अभी हम आपको उनका वीडियो दिखाएंगे और यहाँ पे इस तरह की जगह पे हम घूमते रहते हैं। ये आप देखो, ये चारों तरफ पहाड़ पर्वत और ये नदी हैं। तो जो यहाँ के मतलब इस लोकल एरिया के जो अपने मित्र हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और उनसे बात करवाएंगे। इस एरिया में यहाँ पे अच्छी भैंसे रखने वाले भाई हैं ये। राम राम भाई जी। राम राम, कैसे हो? बस बढ़िया। तो यहाँ पे आपके एरिया में किस तरह की भैंसे रखी जाती हैं, प्योर कौन सी ब्रीड होती है जी? हमारे यहाँ सब ब्रीड होती है, बन्नी की होती है और सब होती है। ज्यादा ब्रीड मतलब ज्यादा बन्नी। अच्छा, बन्नी में और बाकियों में डिफरेंस क्या होता है जी? बन्नी और बाकी में डिफरेंस अब यही देख सकते हो, देखो। अच्छा, वो युवा बन्नी है वो? हाँ, सारी बन्नी है सब। अच्छा जी, और अच्छा एक बात, एक और अपन चलेंगे उधर उनके पास, यहाँ से जंगलों में से ही जाना पड़ेगा नीचे से, नहीं या और कहीं से रास्ता? नहीं, यही है रास्ता तो। ठीक है, तो सब सुविधा, सारी सुविधाएं हो जाएंगी, सब मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, कोई नहीं आएगी। चलो ठीक है जी, चलो तो भैंसे देखते, आप जिधर भी बोलोगे हम उधर पहुंचा देंगे हमारी भैंस। अच्छा, ऐसे साथ आपको रास्ते में भी कुछ भी मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है भाई, स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं भाई, इनसे संपर्क कर सकते हो और ये आपको ऑनलाइन भी भेज दोगे यहाँ से दिखा के। ये बोल रहे हैं, आपने पिछली कई बार डिमांड की थी भाई कि हमारे को इस तरह का वीडियो दिखाओ जो हमारी भैंस भेज दे घर पे ही भेज दे, तो ये घर तक की पहुंच करवा देगा भाई और बढ़िया रेट में करवा देगा। वैसे आपको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन में वीडियो कॉलिंग में दिखा देगा, सारी चीज़ें दिखा देगा। और भाई ये चिकना हो रहा है, कहीं फिसल ना जाए यहाँ। वाह जी वाह, बढ़िया एरिया तो देखो भाई, बहुत जोरदार शानदार है। जंगल एडवेंचर के लिए तो मजा आ जाएगा, इधर घूमना है तो किसी को आओ यहाँ पे देख के लेके जाओ तो और बढ़िया है। हमारे जंगल की खासियत यही है जी जी, ये भैंस है ना, हाँ हाँ, चाहे जैसा भी मौसम रहे फिसल तो नहीं जाएंगे ना इधर? नहीं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं जी जी, वो सब मौसम को सर्वाइव कर सकती है। अच्छा, बन्नी जो है वो सब मौसम को सर्वाइव कर लेती है, कारण क्या है जी इसका? दुखी भैंस है, दुखी बोलते हैं इसको? दुखी बोलते हैं। अच्छा जी, ये जंगल में घूमने वाली है। मतलब इसके जीवन में ही दुख लिख रखा है। ठीक है जी, एक मिनट, दुखी रहेगी लेकिन धनी को सुखी करेगी, धनी को सुखी करेगी। वाह जी वाह, ये भैंसों के पास पहुंच गए हैं भाई हम, और आप देख सकते हो, पहले तो मेरे को देखना है रास्ता भाई। ये भाई पहुंच गए, कितना शानदार नजारा है आप देख सकते हो भाई, आपको फ्री में जंगल एडवेंचर भी करा रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखो, ये पत्थर है जी नीचे है? ये पत्थर है। वाह जी वाह, काफी अच्छा एरिया है ये। अपने कौन से तालुका में पढ़ते हो जी आप? ये अपनी नखत्राणा तालुका में पड़ता है भाई। और ये देखो भाई, बढ़िया ब्रीड की बढ़िया भैंसे आप देख सकते हो। ये इधर निकलेंगी क्या, इसके अंदर ही रुकेंगे? उधर जाएगी। अच्छा, उधर रुक जाएंगे। ठीक है, पास से दिखाते हैं हम आपको, कोशिश करते हैं। अरे इधर तो फिसलन हो गई है, देखो संभालियो, नीचे कांटे रहेंगे। ये देखो मेरे 12 महीने की कटड़ी है, ये आगे वाली? ये आगे वाली। ठीक है, तो पहले खड़ी है, इधर रुकेंगे। हाँ, कटा है बीच में। इन भैंसों के बारे में बताओ थोड़ा। ये जो है ना पाड़ी, ये दोनों मेरे घर की पाड़ी है। अच्छा जी, मैंने खुद ने इसको पाला है। आपने खुद ने पाला है, ठीक है जी। ये कितने उम्र है जिसकी? इसका 11 महीने हुआ है, 12 महीने, 11 महीने, 12 महीने से ऊपर की, 12 महीने। और ये 4 साल की, 4 साल की। ये सब कितनी बार ब्याह चुकी है जी? ये पहली बार ब्याह, अब दूसरी बार देनेगी। अच्छा, अब दूसरी बार देगी, अभी दूध दे रही है? अभी भी दूध दे रही है। ठीक है जी, अभी बाखड़ है, मैंने जनने को भी 2 महीना है बाकी, अभी काफी नहीं है।
जी, वो भी अभी साढ़े चार चार साढ़े चार लीटर टाइम का दूध है। अभी ड्राई के लिए नहीं छोड़ा है? नहीं अभी नहीं छोड़ा। ठीक है जी, तो मतलब ब्याने के बाद कितना लंबे टाइम तक दूध देती है ये वाली? देती है, वो देखो ना, वो पाड़ी है इसकी, 12 महीना हुआ है, गाभिन भी है तो भी दूध देती है ये। तो अभी पाड़ी को भी पिलाते हो? पाड़ी भी जाती है। पाड़ी भी जाती है, ठीक है। आधा पाड़ी पीते हैं, आधा हम निकालते हैं। आधा आप निकाल लेते हो, वाह जी। और ये जो नस्ल है ना, ये हमारी पुरानी भैंसों में से नस्ल की है, पुरानी भैंसों की नस्ल की भैंस। ये जब 2.5-3 साल की रहती है तब गाभिन हो जाती है। जी जी, आप टॉप की भैंस देख सकते हो उनकी। जी भाई साहब, इसके बारे में बताइए। और ये भैंस गाभिन है, 1 महीना निकालेगी। 1 महीना निकालेगी और बन्नी की है। ठीक है जी। तो इसका व्यत्र कौन सा होगा जी? लगभग ये दूसरी भैंस की, दूसरे व्यत्र की है। फुल पूरी बॉडी है, फुल भरमा आप देख सकते हैं। ये भैंस है कुंडी नस्ल जिसको बोलते हैं ना, कुंडी जी, प्योर कुंडी बन्नी जो बोलते हैं वो है। तो इसकी रेंज क्या होगी जी लगभग? इसकी रेंज लाख रुपए। 1 महीने की कच्ची है भैंस ये। अभी 1 महीने की कच्ची, 1 महीने के बाद जनेगी। ठीक ठीक। ये टाइम का 8.5 साढ़े 8 ठीक है। इसको क्या है, ये देखो पत्थर में भी ये सर्वाइव करेगी, ये भैंस की खासियत है। सही बात है, ये हर जगह रह सकती है। ठीक ठीक, चाहे जिस जगह पे भी जाए। इस भैंस के बारे में बताइए भाई साहब। ये भैंस जने लिए 6 दिन की। अच्छा, 6 दिन हो गए बच्चा दिए हुए। 5.5 लीटर दूध तैयार है अभी। 5.5 लीटर एक टाइम का। तो इसके नीचे क्या है जीव? इसके नीचे पाड़ी है। पाड़ी है। और ब्यात्र कौन सा होगा जिसका? ब्यात्र है चौथा ब्यात्र। चौथे ब्यात्र की, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी जी लगभग? इसकी 65,000। 65,000, ठीक है जी। हाँ जी, नीचे के भी अच्छी है, साफ सुथरी है। इस भैंस के बारे में बताओ भाई साहब। ये भैंस गाभिन है। भैंस अच्छा गाभिन है जी, 7 महीना गाभिन, लगभग 7 महीने ही गाभिन है। तो इसकी मतलब कौन से बेहतर, पहला कौन सा बेहतर था इसका? दूसरे बैत की। दूसरे बैत की, अब तीसरा आएगा? अब तीसरा आएगा। तीसरा आएगा, ठीक है जी। तो इसकी रेंज लगभग बता सकते हो जी? ये 7 महीना अभी गाभिन है, इसके रेट में 80,000 बोल रहा है। 80 बोल रहा है, ठीक है जी। मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक ठीक जी, वाह जी।